स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम यहाँ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 78 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट इज इसकी 2 फरवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 जो कि आपकी मूवमेंट्स का है, द लास्ट लीव, जिसके राइटर है ओ हैनरी, वो हम आपका जो आप चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। अब ये जो स्टोरी है दो यंग आर्टिस्ट के बारे में, एक सू एंड एक जॉन्सी, जो कि एक स्मॉल फ्लैट में एक साथ रहते हैं। जॉन्सी फॉल इल, जो जॉन्सी है वो बहुत ज़्यादा बुखार आ गया उसे, बीमार है वो, एंड हैज़ निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया। सू गेट्स वरी अबाउट हर एंड कॉल फॉर द डॉक्टर। अब जो सू है, जो यंग आर्टिस्ट, सेकेंड यंग आर्टिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा चिंता आ जाती है उसे, चिंता हो जाती है, और वो डॉक्टर को कॉल करती है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन एंड टेल्स सू दैट जॉन्सी हैज़ लोस्ट द लाइव विल टू लाइव एंड अनटिल शी सो विल टू रिकवर। फिर डॉक्टर्स उसे मेडिसिन देते हैं और सू को बताते हैं कि जॉन्सी ने अपनी जीने की जो क्षमता है उसे खो दी है। शी शो विल उसे रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, यानी मेडिसिन जो उसके काम नहीं आने वाली है। सू ट्राइज हर बेस्ट टू चीप चेयर हर जॉन्सी, यानी सू ने बहुत सारी चेयर करे कि बहुत सारी उसे समझाया कि जीने की ख्वाहिश रखो, पर जॉन्सी नहीं मानी। शी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, उसने क्लोथ्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, फैशंस के बारे में, ड्राइंग बोर्ड उसके रूम में ले आई जॉन्सी के रूम में, और पेंटिंग करने लगी, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई कि वो इंजॉय कर सके। बट जॉन्सी कीप लुकिंग एट एन ईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल, बट जो जॉन्सी है वो एक पेड़ की तरफ वो बार बार देखी जा रही थी जो कि उसके वॉल के आउटसाइड था, यानी उसके गेट के जो बाहर था। जॉन्सी हैज़ डेवलप द थॉट इन हर हेड दैट शी विल डाई विद द फॉल ऑफ लास्ट लीफ ईवी क्रीपर, यानी जॉन्सी के मन में ये दिमाग में चल रहा था कि जो उस पेड़ पे लास्ट जो लीफ बचेगी, जैसे ही वो लास्ट लीफ गिर जाएगी पतझड़ के मौसम में, जब वो लास्ट लीफ गिर जाएगी तो वो भी मर जाएगी। सू कॉल इट्स नॉनसेंस, तो सू कहती है ये तो बहुत बेकार की बात है, फालतू की बात है। शी ऑल्सो अश्योर्स जॉनी दैट शी वुड बी ऑल राइट सून, और वो ये कहती है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी, पर ये इस पर कोई भी इफेक्ट जॉन्सी पर नहीं पड़ता। सी अप्रोचेज बेहर मैन फॉर हेल्प, एन ओल्ड पेंटर वो लीव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग। अब जो बेहर मैन है जो कि उसी की फ्लैट में नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में रहता है, ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस, और उनका ड्रीम है जो कि एक पेंटर ही है कि एक मास्टरपीस एक दिन पेंट करेंगे, बट ही हैड नो सक्सेस सो फार, पर उन्होंने अभी तक उन्हें कोई ऐसा ड्रीम को अचीव नहीं कर पा रहे। सू टेल्स बेहरमैन अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी, यानी सू ने बेहरमैन को बताया कि जॉन्सी का कैसा फील हो रहा है, जॉन्सी के साथ कैसी हालत हो रही है। बोथ ही एंड सू गोट जॉन्सी रूम्स, यानी दोनों ही सू और जो बेहरमैन है वो जॉन्सी के रूम में जाते हैं। जॉन्सी स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही होती है। दे सी दैट ईवी क्रीपर हैज़ ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट, और वो देखते हैं कि जो ईवी क्रीपर, यानी जो पेड़ पे जो पत्ती है, सिर्फ एक ही पत्ती बचती है। इट और बाहर बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, इट सीम दैट लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम, यानी जो लास्ट जो लीफ बची है वो कभी भी गिर सकती है। जॉन्सी वेक अप फ्रॉम हर स्लीप, जॉन्सी उठती है। शी लुक्ड आउट ऑफ विंडो, यानी वो विंडो की तरफ देखती है। शी लुक एट द लास्ट लीफ, फिर वो लास्ट लीफ की तरफ देखती है। शी आस्क यू टू लुक एट इट, तो वो कहती है सू से कि देखो इधर, इट इज़ ग्रीन एंड हेल्दी, वो ग्रीन है और जो पत्ती है वो ग्रीन हो रखी है, हरी हो रखी है, हेल्दी है। जॉन्सी लुक एट द लीफ एवरी आर, यानी जॉन्सी जो है वो हर घंटे लीव को देखती है। बट इट डजेंट फॉल इवन इन स्टॉमी इवनिंग, यानी बहुत ज़्यादा तूफान भी चल रहा था पर तब भी जो पत्ती थी वो नहीं गिर रही थी। दिस रिसीव विल टू लीव इन जॉन्सी, यानी ये उसे एक अच्छी, एक सकारात्मक, एक पॉजिटिविटी की तरफ ले गई कि जॉन्सी लीव कर सकती है, यानी जी सकती है। शी अप्लाइज टू सू फॉर नॉट कॉरपोरेटिंग, और वो सू के साथ कॉरपोरेट नहीं करती। नेक्स्ट मॉर्निंग सू टेल्स जॉन्सी अबाउट बेहरमैन, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो सू है वो जॉन्सी को बेहरमैन के बारे में बताती है। बेहरमैन वॉज इल फॉर ओनली 2 डेज, यानी बेहरमैन भी 2 दिनों से बीमार है। द गार्ड फाइंड हिम ऑन हिज बेड एंड हीज क्लोथ एंड शूज वेट, यानी जो गार्ड है बिल्डिंग का, उसने देखा कि वो बेड पे लेटा हुआ है, जो बेहरमैन है वो बेड पे लेटा हुआ, उसके क्लोथ्स जो हैं और शूज़ जो हैं वो वेट है, एकदम बहुत गीले हैं। शी वॉज ट्रेवलिंग इन द स्टॉमी नाइट, यानी वो भी
जो बहुत ज़्यादा तूफान वाली जो रात हो रही थी कल रात, वो वहाँ पे भींग रहा था. ही हैड कॉट निमोनिया एंड डाइड. उसे भी निमोनिया हो गया और वो भी मर गया. जॉन्सी आस्क यू वाई द लीव डिड नॉट फ्लटर. तो जॉन्सी, फिर जॉन्सी को लगता है इतना ज़्यादा तूफान आया तो वो पत्ती क्यों नहीं गिरी. तो जॉन्सी सू से कहती है कि वो लीफ क्यों नहीं गिरी, पत्ती क्यों नहीं गिरी. शी टेल्स हर दैट लास्ट लीफ वाज बेहरमैन्स मास्टरपीस. तो वो कहती है जो लास्ट लीफ है वो बेहरमैन की मास्टरपीस है. ही पेंटेड एट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. जो लास्ट लीफ है वो तो गिर गई कब का, पर उसने जो दीवार होती है उसमें ऐसा, वही जो पूरी बाहर का जो डायरेक्ट नेचर होता है उसे उसने ऐसे दिखा दिया कि जो लास्ट लीफ है वो अभी भी बची है. सेम ऐसी मास्टरपीस उसने पेंट कर दी. देन वो जो जॉन्सी है उसे लगा कि ये कोई फ़ोटो नहीं है, वो एक असली का ही बैकग्राउंड है. तो ये आपकी जो स्टोरी है ये कंप्लीट यहाँ पे होती है. आप ये स्टोरी से आपको क्या समझ आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा. द स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट, हमें स्टोरी क्या मैसेज देती है. अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिएटिंग अ मास्टरपीस. स्टेइंग स्ट्रांग इन डिफिकल्ट टाइम्स. फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इंडीड. यानी फर्स्ट वाले का मतलब है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हमें एक मास्टरपीस बनाना चाहिए, या हमें स्ट्रांग रहना चाहिए डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी, या फ्रेंड नीड में. और फ्रेंड जो नीड है वो ज़रूरत होती है फ्रेंड की एक. तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है, ये स्टोरी हमें मैसेज देती है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इस पे ए पे टिक करेंगे. नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है जॉन्सी के साथ. तो शी वॉज अनेबल टू कोप विद एक्सपेक्टेशन. वो एक्सपेक्टेशन की तरफ नहीं जा रही थी, तो ये तो सही है ट्रीटमेंट. शी कॉर्पोरेटेड वेल विद सू. यानी वो सू के साथ कह रही थी हाँ मैं ठीक हो जाऊँगी. शी हैड अ नोशन दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग. उसके पास एक नोशन था कि वो मर जाएगी जब लास्ट लीफ फॉल हो जाएगी, यानी गिर जाएगी. तो यस ये भी था. शी सफर्ड फ्रॉम निमोनिया. और उसे निमोनिया हो रहा था. तो इसमें आप देखिए, इसमें वो सू के साथ कॉर्पोरेट नहीं थी कि वो नहीं ठीक होगी, वो मर जाएगी, वो ये सोचती थी. तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड. व्हाट डॉक्टर सीज अबाउट जॉन्सी हेल्थ. तो जॉन्सी की हेल्थ के बारे में डॉक्टर ने क्या बोला. तो आप लिखेंगे डॉक्टर वाज वेरी वरीड लुकिंग एट जॉन्सी. यानी जो डॉक्टर थे बहुत वरीड थे जब वो जॉन्सी की तरफ देख रहे थे. एंड आर लॉस्ट विल टू फाइट द डिजीज. यानी उसकी जो इल पावर थी, जो इम्यूनिटी पावर थी, वो खो चुकी थी किसी भी डिसीज से फाइट करने के लिए. ही एडेड दैट शी हैड नो चांस टू इंटेंड टू लीव. यानी उन्होंने कहा कि इसके पास कोई चांस नहीं है जीने का. दैट चांस वॉज इफ जॉन्सी वॉन्टेड टू लीव. क्योंकि ये चांस वही है कि जॉन्सी खुद चाहे कि वो जीना चाहे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. वाह हाउ डिड बेहरमैन सेव जॉन्सीज लाइफ. तो बेहरमैन ने जॉन्सी की लाइफ कैसे सेव करी. तो बेहरमैन लर्न अबाउट जॉन्सी फैंसीज. यानी बेहरमैन ने जॉन्सी के बारे में जाना. ही डिड नॉट वेस्ट अ सिंगल सेकेंड. यानी उन्होंने अपना एक सिंगल सेकेंड भी वेस्ट नहीं करा. ही टुक अ लैंटर. उन्होंने एक लैंटर ली बिकॉज अंधेरा हो रहा था. ही टुक अ लैडर बिकॉज ही हैड टू पेंट द लीफ ऑन द वॉल. और उन्होंने एक लैडर ली, उन्होंने एक सीढ़ी ली, और क्योंकि उसे वॉल पे पेंट करना था उसे लीफ को. ही टुक ब्रशेज. उन्होंने ब्रशेज कलर्स लिए. ही पेंटेड द लीफ ऑन द वॉल थ्रो इट वॉज रेनिंग हैविली. अब बहुत तेज बारिश भी हो रही थी पर उन्होंने वॉल पे उस लीफ को पेंट करा सेम जैसे वो बाहर दिख रही थी. द रियल लीफ हैड ऑलरेडी फॉलन. क्योंकि जो असली जो पत्ती थी वो ऑलरेडी गिर चुकी थी. ही पेंटेड लीफ स्टक टू द वॉल. और उन्होंने ऐसे पेंट करा कि जो लीफ है वो अभी भी पेड़ पे है, स्टक है. जॉन्सी सेड दैट लास्ट लीफ स्टिल इंटैक्ट. इट रिसीव कॉन्फिडेंस एंड विल टू लीव इन हर. यानी जॉन्सी ने कहा कि लास्ट लीफ अभी भी है और उसे कॉन्फिडेंस मिला जीने का. इट वॉज बेहरमैन मास्टरपीस. ये बेहरमैन का ही मास्टरपीस था. और बेहरमैन जो थे वो निमोनिया, क्योंकि वो रात में बहुत ज़्यादा स्टॉमी बहुत ज़्यादा बारिश में भी पेंट कर रहे थे, तो वो निमोनिया हो गया उन्हें. और उन्होंने जॉन्सी की लाइफ सेव कर दी एंड वो खुद मर गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज टुडे यूथ फील डिप्रेस्ड. तो टुडे आज के जो यूथ है वो डिप्रेस फील क्यों करते हैं. तो आप यहाँ से करेंगे इसका आंसर. मैनी फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग और ट्रिगरिंग टीन डिप्रेशन. यानी बहुत सारे फैक्टर्स से जो टीनेजर्स होते हैं उनके डिप्रेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है. जैसे उन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट हो सेल्फ इस्टर्न का, जैसे जॉन्सी को हुआ, और ऑबेसिटी यानी मोटापा का, पीयर प्रॉब्लम्स हो, या लॉन्ग टर्म बिलिंग या एकेडमिक प्रॉब्लम हो, हैविंग बीन द विक्टिम्स और विटनेस ऑफ वायलेंस, और कोई भी सोशली अब्यूज़ हो या फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हो, उसके जैसे जो टुडेज़ की आज के यूथ हैं वो डिप्रेस फील करते हैं.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सेव जॉन्सीज लाइफ फ्रेंड्स, तो किसने जॉन्सी की लाइफ सेव करी, फ्रेंड सपोर्ट ने या मेहरमैन के मास्टरपीस ने, हर ओन विल पावर या उसके अपनी ही पावर ने, इनमें से तीनों में से किसने, आपको एग्जांपल के साथ इस टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पर्सपेक्टिव से जॉन्सी की लाइफ थी जो थी वो फ्रेंड सपोर्ट और बेहरमैन मास्टरपीस दोनों ने ही सेव करी, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो अगर फ्रेंड जो है बेहरमैन को नहीं बताती देन जो है वो ड्राइंग करते ही नहीं, वो पेंट वहाँ पे करते ही नहीं, देन उससे वो सपोर्ट नहीं हो पाता, बिकॉज शी लोज द इंटरेस्ट एंड विल पावर टू लिव इन द लाइफ, क्योंकि वो अपना जीने का जो इंटरेस्ट है वो ही खो चुकी थी। नो शी हैज़ नॉट एन इंटरेस्ट इन लाइफ, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो मरने का ही वेट कर रही थी। बट स्यू थिंक ऑल दिस नॉनसेंस, बट जो स्यू थी उसकी फ्रेंड वो सीख रही थी ये सब तो नॉनसेंस है, ये तो फालतू की बातें हैं, एंड हेल्प एंड इनकरेज टू हर टू रिकवर, बट स्पेशली देयर वाज अ सपोर्ट ऑफ बेयर्समैन मास्टरपीस हेल्प, पर उसने उसे सोचा कि ये तो फालतू की बात करी है, इसे फिर उसने उसे इनकरेज करा रिकवर होने के लिए, ठीक होने के लिए, पर उसने सपोर्ट लिया बेयरमैन के मास्टरपीस का और बेयरमैन के मास्टरपीस ने भी उसकी हेल्प करी, यानी दोनों ने ही उसकी हेल्प करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट सेव जॉन्सीज लाइफ, तो जॉन्सी की लाइफ किसने सेव करी, तो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट, आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।